Hello students, how are you? I hope all of you are safe at home. Okay, let's start the chapter 6, exponents from class 7. First of all, you should know what is exponent. मान लो हम लिखते हैं x into x into x into x into x 1, 2, 3, 4, 5 times. तो हम इसको लिखते हैं x to power 5. इसमें x को हम बेस कहते हैं और ये जो पावर पावर है 5 इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं और ये जो नीचे होता है बेस जो नीचे होता है उसको बेस कहते हैं. उसी तरह से अगर हम लिखें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो इसमें 3 बेस है और 4 टाइम्स आया है 1, 2, 3, 4 तो ये पावर 4 यह पावर 4 को एक्सपोनेंट बोलेंगे और इसको बेस बोलते हैं. मतलब बेस नीचे वाला होता है और एक्सपोनेंट पावर ऊपर वाला होता है. समझ में आ गया एक्सपोनेंट क्या होता है. अब कुछ फार्मूला है जो आपको याद करना है, इसको मिटा देने की कोई जरूरत नहीं है. फार्मूला क्या है. नंबर वन फार्मूला है अगर x टू पावर m इंटू x टू पावर n है तो पावर x टू पावर m प्लस n हो जाएगा. मतलब है कि यह x का पावर इसका बेस है x, इसका बेस है x, इसका पावर है m, इसका पावर है n, पावर m पावर n अलग अलग है लेकिन बेस दोनों का सेम है. तो बेस एक बार लिखेंगे और पावर दोनों को प्लस कर देते हैं. एग्जांपल समझो 2 इंटू 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4. बेस 2 दोनों का सेम है, पावर 3 पावर 4 है, बेस 2 सेम है तो बेस सेम लिखेंगे और यह पावर 3 और 4 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 7. नंबर 2 है फार्मूला x टू पावर m डिवाइड x टू पावर n, या ऐसे भी हो सकता है x टू पावर m डिवाइड x टू पावर n. इसका फार्मूला क्या होगा. x टू पावर m माइनस n, पावर माइनस हो जाएगा. अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा. x टू पावर m इसका बेस x है, x टू पावर n इसका भी बेस x है, बेस x बेस x तो बेस x सेम होगा और पावर माइनस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मान लो 2 टू पावर 7 है, डिवाइड है 2 टू पावर 3 से, बेस 2 तो बेस 2 और ये पावर माइनस हो जाएगा 7 माइनस 3 ये आ जाएगा 2 टू पावर 4. समझ में आ गया. नंबर 3 फार्मूला है x टू पावर m और पूरा का पावर n. मतलब x टू पावर m और पूरा ब्रैकेट बंद करके पूरा का पावर n है तो पावर है m पावर फिर पावर n तो पावर पर पावर है तो x टू पावर m इंटू n पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे लिखा हो ऐसे 2 टू पावर 3 और पूरा पावर 4 तो 2 टू पावर 3 और पूरा का पावर 4 है तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब 2 लिखा है बेस और ये 3 इंटू 4 मतलब 2 टू पावर 12 ये हो जाएगा पावर. समझ में आ गया. नंबर 4 है x टू पावर 0 इक्वल टू 1. ये किसी भी बेस पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है. अगर मान लो 2 का पावर 0 है तो 1 होगा, अगर 3 का पावर 0 है तो भी 1 होगा, 100 का पावर 0 है तो भी 1 होगा, 1000 का पावर 0 है तो भी 1 होगा. कोई भी बेस हो किसी भी बेस पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है. समझ में आ गया. आप लोग लिख लिए. वीडियो देखते समय आप लोग कॉपी पेन और बुक साथ में लेकर के बैठिए, लिखते भी रहिए. नंबर 5 बता रहे हैं. नंबर 5 अगर x टू पावर m है और इनटू y टू पावर m है, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है.
एफ टू पावर एम वाई टू पावर एम में इसका बेस एक्स है, इसका बेस वाई है, बेस अलग रख है और इसका पावर एम है, पावर एम है सेम है, तो हम लिखते हैं एक्स इंटू वाई एक ब्रैकेट में और ये पावर एम एक बार लिखते हैं। पहले वाले में क्या था, एक्स टू पावर एम इंटू एक्स टू पावर एन, तो यह हो जाता है एक्स टू पावर एम प्लस एन। अब देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका बेस अलग अलग है, एक्स है इसका बेस वाई है, पावर एम है, यह पावर एम सेम पावर है, तो यह सेम पावर एम यम 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 यम, तो एक्स वाई है तो एक्स वाई, और इसमें क्या है यक्स, यक्स, तो यक्स सेम, तो पावर एम प्लस एन, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाएगा, और इसमें जब बेस अलग अलग होता है पावर सेम होता है तो एक्स इंटू वाई टू पावर एम। तो ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करिए, एक्स टू पावर एम इंटू वाई टू पावर एम, तो यम 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 सेम, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और जब यहाँ पर यक्स सेम तो यह यक्स सेम हुआ, तो ये दोनों यक्स यम यहाँ प्लस हो जाएगा। नंबर सिक्स में अगर लिखा हो यक्स इंटू वाई टू पावर यम, तो सेम वही चीज है, यही इसी को हम फिर से लिख रहे हैं, या इंटू ये इक्वल टू ये, तो यह इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू पावर एम इंटू वाई टू पावर एम, समझ में आ गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह होगा, और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे ब्रैकेट में तो यह होगा यम यम तो यम सेम, समझ में आ गया। अब मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन है 3 × 3 × 3 × 3 फाइव टाइम, बी 5 × 5 × 5 × 5 × 8 × 5 × 5 × 3 × 6 × 7 × 8, सी 7 टाइम, a × a × a × a × a × a 3 × 6 × 7, डी B × B × B × B। अब इसमें देखो 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो 3 × 5, समझ में आ गया। ये 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 का पावर 8, तो 3 बेस है, 5 एक्सपोनेंट है, 5 बेस है, 8 एक्सपोनेंट है, इसमें ए कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ए टू पावर 7, ए बेस 7 एक्सपोनेंट, और बी 4 टाइम, तो बी बेस 4 एक्सपोनेंट, समझ में आ गया, नोट कर लिया आप लोग, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। नंबर 2, 15 × 4, बी 42 × 5, सी 51 × 3, डी 21 × m, ई 65 × 6, इसको लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, तो 15 को हम लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5, अब पूरा पावर 4 है, तो पावर 4 को कैसे लिखेंगे, इस पर पावर 4 लिखेंगे कि इस पर पावर 4 लिखेंगे, कंफ्यूजन है,
तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करके पूरा का पावर 4 लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 3 into 5 to power 4, तो इस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a into b to power m, यह पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा a पर और यह पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा b पर, तो a टू पावर m और इंटू बी टू पावर m, तो यह फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर यह पावर 4 3 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इंटू यह पावर 4 5 पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो गया आंसर। अब ये 42 को 42 बता रहे हैं, 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 42 को कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टर कर लीजिए। 42 को आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 4 2 3 3 7 21 7 1 7, 2 into 3 into 7, तो 2 into 3 into 7। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, पावर ये 5 हो गया। अब ये पावर एक्सपेंड करेंगे, अगर हम इसको एक्सपेंड करें यह पावर 5 इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 पर, यह पावर 5 3 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यह पावर 5 7 पर भी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यह पावर तीनों नंबर पर लगेगा। तो 2 to power 5 इंटू 3 to power 5 इंटू 7 to power 5, यह पावर 5 इस सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट है सी का बता रहे हैं, सी का है 51 टू पावर 3। तो ये कैसे, इसको 51 को हम कैसे फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 into 17, 15 को हमने कैसे लिखा, 3 into 17 3 या 51, और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और पावर 3 है, पावर 3 लगा दिया। अब क्या करेंगे, यह पावर 3 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यह पावर 3 17 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3 to power 3 इंटू 17 to power 3, समझ में आ गया। अब 21 को करते हैं, 21 to power d, 21 टू पावर m, तो कैसे लिखेंगे 21 को, 3 into 7, 21 को कैसे लिखेंगे, 3 into 7, 17 3 या 21 और पावर m है तो पावर m, फिर क्या होगा, यह पावर m 3 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और यह पावर m 7 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3 का पावर m और इंटू 7 टू पावर m, हो गया। अब 6 e का बता रहे हैं, e का 65 टू पावर 6 को हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 13 into 5, तो 13 into 5 और पावर 6 है तो पावर 6 लगा दिया। अब यह पावर 6 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 13 पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 13 to power 6 इंटू 5 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 5 to power 6 आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर थ्री कराने जा रहे हैं, प्रूव करना है कि ये थर्ड का क्वेश्चन बता रहे हैं, थर्ड प्रूव दैट ए इंटू बी इंटू सी टू पावर पी इक्वल टू ए टू पावर पी इंटू बी टू पावर पी इंटू सी टू पावर पी।
अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यह तो फार्मूला है, ये आप जानते भी होंगे ए टू पावर बी का पावर पी होता है, तो ए टू पावर बी इंटू बी टू पावर पी, तो यहाँ पर थ्री टर्म्स आ गए ए बी सी, तो ए पर पावर लगेगा, बी पर पावर लगेगा, सी पर पावर लगेगा, इस तरह फार्मूला बन गया। तो आप कहोगे ये तो फार्मूला है, इसको क्या प्रूव करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि कैसे ये हुआ। तो शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी टू पावर पी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर यफ टू पावर फोर है तो आप इसको कैसे लिखते हो, यफ इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स फोर टाइम लिखते हो ना। यफ टू पावर थ्री है तो कैसे लिखते हो, यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स थ्री टाइम। तो वैसे ही ये जो नंबर है पी, ये पी की वैल्यू क्या हो सकता है, मान लो टू है, अगर मान लो ये टू है तो ये पूरे ब्रैकेट को टू बार लिखेंगे, मान लो ऐसे लिखा है ए इंटू बी टू पावर टू, तो इसका मतलब होगा ए इंटू बी इंटू फिर ए इंटू बी, इस ब्रैकेट को दो बार लिखेंगे, और अगर पावर थ्री है यहां तो इस ब्रैकेट को थ्री बार लिखेंगे, और अगर यहां पावर फोर है तो इस ब्रैकेट को हम फोर बार लिखेंगे, इसी ब्रैकेट को ये ब्रैकेट फोर बार लिखेंगे। तो ये पी की वैल्यू तो दिया नहीं है, ये पी की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम कैसे कितने बार लिखेंगे, तो वन बार टू बार, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अननोन है। तो पी वैल्यू दिया नहीं है तो हम इसको पी बार लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू इसी को हम ब्रैकेट को ए इंटू बी इंटू सी वन बार, टू बार, और ये पी टाइम लिखेंगे, मतलब वन बार टू बार थ्री, पी की वैल्यू अननोन है तो वन बार टू बार थ्री बार पी बार लिख दिया। अब सबको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका पहला पहला ए, इसका पहला ए, फिर आगे भी ब्रैकेट में ए आएगा पहला, इसमें अभी आएगा, तो ये कितने बार लिखाएगा, पी बार, तो पी टाइम। अब इनटू, अब हम ले रहे हैं ब्रैकेट का दूसरा दूसरा ब्रैकेट का ये दूसरा बी, इस ब्रैकेट का दूसरा बी, फिर आगे ऐसे पी टाइम, फिर इनटू, अब हम ले रहे हैं तीसरा तीसरा, इस ब्रैकेट का तीसरा टर्म सी, इस ब्रैकेट का तीसरा टर्म सी, एंड ऐसे पी टाइम। अब अगर ए को मल्टीप्लाई करें दो बार तो ए टू पावर टू लिखेंगे, ए को थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू पावर थ्री लिखेंगे, ए टू पावर ए को फोर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू पावर फोर लिखेंगे, ए टू ए को हम पी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू पावर पी लिखेंगे, ए टू पावर पी इंटू बी को वही काम बी टू पावर पी, सी को भी वैसे लिखेंगे, तो ये आ गया राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। बेटा देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और इसी का बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेंगे। दिया हुआ है 30 टू पावर 5 इक्वल टू 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 5 इंटू 5 टू पावर 5, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं,
थर्टी टू पावर फाइव। ठीक है, हम थर्टी को कैसे लिख सकते हैं, थर्टी को आप फैक्टर कर लो, टू से कटेगा फिफ्टीन बार में, फिर थ्री से कटेगा फाइव बार में, फाइव से कटेगा वन बार में, टू इंटू थ्री इंटू फाइव लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू फाइव लिख सकते हैं पावर फाइव। ठीक है, अब यहां पर हम ये ब्रैकेट है पावर फाइव, मतलब है कि इस ब्रैकेट को हम फाइव टाइम लिखेंगे, यह ब्रैकेट का पावर फाइव है तो इस ब्रैकेट को हम फाइव टाइम लिखेंगे, टू इंटू थ्री इंटू फाइव वन, टू इंटू थ्री इंटू फाइव टू, टू इंटू थ्री इंटू फाइव थ्री वन टू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फाइव फोर इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम हमने लिखा। अब हम हर ब्रैकेट का पहला पहला, हर ब्रैकेट का पहला मतलब एक टू, इस ब्रैकेट का टू, इस ब्रैकेट का टू, इस ब्रैकेट का टू, इस ब्रैकेट का भी टू, अब इंटू हर ब्रैकेट का दूसरा दूसरा, हर ब्रैकेट का दूसरा दूसरा मतलब थ्री, थ्री इसका भी थ्री, इसका भी थ्री, इसका भी थ्री, इंटू हर ब्रैकेट का तीसरा तीसरा मतलब फाइव, यह भी फाइव, यह भी फाइव, यह भी फाइव और यह भी फाइव। अब इस ब्रैकेट में देखो टू कितने बार आया है, फाइव बार, तो टू टू पावर फाइव, थ्री कितने बार आया है, फाइव बार, तो थ्री टू पावर फाइव, फाइव कितने बार आया है, तो फाइव फाइव बार आया है, फाइव, तो ये इतना आ गया, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग, इसको मिटा दें। इसी तरह से सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन आप लोग घर पर करना, घर पर करना है आपके लिए, ये होमवर्क है, नंबर फोर बता रहे हैं, नंबर फोर, सिक्स टू पावर एट, सेवन टू पावर एट, बी ए टू पावर थ्री, बी टू पावर थ्री, सी पी टू पावर नाइन, क्यू टू पावर नाइन, आर टू पावर नाइन एंड डी लिखा है ए टू पावर एन इंटू बी टू पावर एन इंटू सी टू पावर एन इंटू डी टू पावर एन। तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रूल नंबर थ्री क्या क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए टू पावर एम इंटू ए बी टू पावर एम बेस ए बेस बी पावर सेम पावर एम पावर एम, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी टू पावर एम, पावर एम पावर एम पावर एम, पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो बेस यहां पर ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके पावर लिख देंगे, तो ये पावर एट, पावर एट सेम है, तो हम इसको लिखेंगे सिक्स इंटू सेवन टू पावर एट, एक बार पावर एट लगा देंगे, ये हो जाएगा सिक्स सेवन या फोर्टी टू, फोर्टी टू टू पावर एट, या ए इंटू बी है, पावर थ्री सेम है, तो ए इंटू बी ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए और पावर थ्री, और इसको लिख सकते हैं ए बी ब्रैकेट में पावर थ्री,
उसी तरह से इसको लिखिए पी क्यू आर ब्रैकेट में क्लोज करके पावर 9, इसको भी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी पावर एन, एक बार पावर लिख दिया, पावर एन पावर एन पावर एन पावर एन, सेम है पावर सेम हो गया, और ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे ए बी सी डी पावर एन, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोग घर पर इसको कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 बताने जा रहे हैं। नंबर 1, 6 to power 5 डिवाइड 6 to power 3। नंबर बी 27 to power 8 डिवाइड 27 to power 2। ए बी सी 13 to power m डिवाइड 13 to power n एंड डी इज एम एन 2 power 7 डिवाइड एम एन 2 power 2। तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, बता चुके हैं, ए टू पावर एम डिवाइड ए टू पावर एन, बेस ए सेम, बेस ए सेम, पावर माइनस हो जाएगा एम माइनस ए। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 6 to power 5 माइनस 3, तो 6 to power 5 minus 3 2। यहां पर क्या होगा 27 to power 8, तो 27 to power 8 माइनस 2 27 to power 6 पावर माइनस हो गया। यहां पर क्या होगा 13 to power m माइनस n, m माइनस n पावर माइनस हो गया। फार्मूला कौन सा लगा, ये वाला, ये रूल लगा, ए टू पावर एम माइनस डिवाइड ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम माइनस एन, बेस से बेस 13 बेस 13 तो बेस 13 पावर डिवाइड पावर माइनस हो गया। इसी तरह इसको भी करेंगे एम एन 2 power 7 माइनस 2 एम एन 2 power 7 माइनस 2 गया 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको सिंपली कर लेंगे, 6 to power 5 6 to power 4, तो पावर माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1। ये बहुत सिंपल है, आप लोग घर पर कर लेना, सिंपल है ये, मिटा दे रहे हैं इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर्स एज नंबर्स विद पॉजिटिव इंटीजर पावर, मतलब एक्सपोनेंट पावर हो, प्लस हो, एक्सपोनेंट प्लस करना है। नंबर ए दिया हुआ है 12 to power minus 3 बी दिया है 19 to power minus 5 सी दिया है 3 to power minus 4 और डी दिया है 5 to power minus 3।
इसमें देखिए सभी पावर निगेटिव है, यह पावर माइनस थ्री है, यह पावर माइनस है, यह पावर माइनस, यह पावर माइनस। इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बता दिया है कि वो उल्टा करना है, रिवर्स करना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए, और पावर अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और अगर पावर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। पावर अगर ए टू पावर माइनस एम है, अब चाह रहे हैं इसकी साइन माइनस एम को प्लस बनाना, तो इसके नीचे वन होता है तो वन ऊपर कर दीजिए, और ए टू पावर एम है माइनस एम है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हो गया। या ए टू पावर यम है प्लस है, इसको हम चाह रहे हैं निगेटिव बनाना, माइनस एम बनाना, तो इसके नीचे वन होता है तो वन ऊपर चला जाएगा, ए टू पावर यम नीचे आ जाएगा, और इसका पावर प्लस यम है माइनस यम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो पावर चेंज कर देंगे, तो इसके नीचे वन है, वन होता नहीं, छिपा छिपा हुआ, इसके नीचे वन छिपा होता है, दिखाई नहीं देता है, तो हम वन ऊपर कर देंगे और ये 12 नीचे आ जाएगा, और माइनस थ्री है वो प्लस थ्री हो जाएगा, उसी तरह से अभी हो जाएगा। वन इसके नीचे होता है, छिपा होता है, ऐसे होता है, वन लिखते नहीं है, मानते हैं कि इसके नीचे वन है, तो वन ऊपर चला गया, और ये 19 to power 5 नीचे आ जाएगा, ये माइनस फाइव प्लस फाइव बन गया, उसी तरह से अभी हो जाएगा, वन ऊपर जाएगा, 3 to power 4 नीचे आएगा, इसके इस तरह यह भी होगा, वन इसके नीचे वन है तो वन ऊपर गया, और 5 to power 3। ये पावर लिखते समय ये ध्यान में रखना कैसे लिखते हैं, 19 to power 5 लिखते हैं तो 19 लिख करके पावर छोटा सा लिखते हैं, पावर ऊपर लिखते हैं, अब ये नहीं कि पावर 5 वैसे लिख दीजिए तो ये 195 बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पावर लिखते समय 19 के जस्ट ऊपर 5 लिखते हैं और छोटा लिखते हैं, ये 19 थोड़ा बड़ा होगा बोल्ड में, और ये 5 पावर छोटा लिखते हैं, तो ये ऐसे लिखते हैं पावर 5। अगर आप लिखते हो ऐसे ऊपर ऐसे लिखते हो तो भी गलत है, इसके थोड़ा सा किनारे होते हुए ऐसे लिखते हैं और थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ तक नहीं लिखते हैं, यहाँ तक नहीं लिखते हैं, इसी के जस्ट बगल में लिखते हैं डायगोनल टाइप का। अगर वो 5 ऐसे लिखते हो तो 195 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 1/35 to power 4 ए बी 1/x^5। अब इसमें कह रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जाए, मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना है, मतलब नीचे वाला ऊपर करना है, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये 35 ऊपर जाएगा तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, 35 to power -4 हो जाएगा, और 1 नीचे आएगा तो 1 नीचे को 1 नहीं लिखते हैं, 1 छोड़ देते हैं, उसी तरह से यह हो जाएगा 1x^5 -5 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो साइन चेंज हो गया, माइनस फाइव हो गया, और ये 1 नीचे आ जाएगा तो 1 को नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया है चेंज द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज करना है, मतलब है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है, तो 3 to power -9/1 ए है, बी 8 to power m b to power m एंड c है p to power -8/p। क्वेश्चन में है न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर में चेंज करना है, मतलब यह है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है,
मतलब जो ऊपर वाला है ये वाला, इसको नीचे लाना है। तो ये नीचे कैसे आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा ये 3 to power 9, तो ये 9 प्लस हो जाएगा, और इंटू वन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 1 का मल्टीप्लाई उतना ही होता है। तो ऊपर क्या बचेगा, जब ये जब ऊपर से नीचे आ गया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो क्या करेंगे, 0 लिखते हैं, गलत है, 1 बचा, 1 बचा। उसी तरह से इसको भी हम लाएंगे नीचे, तो ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो ऊपर बच जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा a to power m। ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस हो गया, और ये b to power m सेम। उसी तरह से यह भी होगा, इससे लाना है नीचे तो ऊपर बचेगा 1, और ये p बचा, और ये p to power 8, तो ये हो गया 1/p to power 9। समझ में आ गया। मिटा दे रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया, जिसका बेस कोई भी हो अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस सबका पावर 0 हो तो सबका वैल्यू 1 होगा। 6 क्वेश्चन में a 273 पावर 0 1, इसका भी पावर 0 है 1, इसका c में भी पावर 0 है 1, तो सबका पावर 0 है तो 1 हो जाएगा वैल्यू, सबका 1 1 1 होगा। 7 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 7 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन। 2 to power x = 4, इसमें आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। यह एक क्वेश्चन है, क्योंकि दिस इक्वल समथिंग इक्वल टू समथिंग, समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो यह एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड होगा वैल्यू, टू टू पावर एक्स इक्वल टू फोर को हम लिख सकते हैं 2 to power 2, फोर को लिख सकते हैं 2 to power 2। अब रूल ये होता है कि इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका पावर 2, इसका पावर x, दोनों इक्वल होंगे, इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग, यहां लिखते हैं इक्वेटिंग द पावर, बेस सेम है, बेस टू सेम है, नीचे वाला सेम है, तो पावर भी सेम होना चाहिए, तभी इक्वल होते हैं। ये दो इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब बेस सेम है, तो पावर भी सेम होने चाहिए, ये रूल है। तो यह बेस टू सेम है तो इसका पावर भी सेम होने चाहिए, तो पावर इसका एक्स है और इसका पावर 2 है, आंसर हो गया। नंबर 2 बता रहे हैं, 4 to power x = 64, तो हम यहां लिख सकते हैं 4 to power x = 64 को कैसे लिखेंगे, 4 को मल्टी, यहां बेस 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 into 4 into 4, 4 4 16 4 64 से ही करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यहां बेस 4 है, तो यहां भी बेस 4 बनना चाहिए। तो इसको हम अब लिख सकते हैं 4 to power x = 4 to power 3, और यहां पर अब लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर, क्योंकि बेस फोर दोनों इक्वल है, तो पावर सेम होने चाहिए, तो एक्स इक्वल टू 3 हो गया, तो आंसर हो गया एक्स इक्वल टू 3। मिटा दे इसको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी का क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। a टू पावर x = 1,
तो हम क्या करेंगे, 8 to power x। अब 1 कैसे आता है, यहां बेस 8 है तो यहां भी बेस 8 आना चाहिए, तभी हम पावर की इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर 1 तो कभी भी 8 नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, 8 to power 0 करेंगे, क्योंकि किसी भी बेस पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो 1 को हम लिखे 8 to power 0, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 to power 0, 3 to power 0, 4 to power 0, 5 to power 0, किसी भी बेस पर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो इसका पावर हमने लिया 8। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर, तो पावर इसका बेस x, इसका बेस 8, इसका बेस 8 इक्वल हो गया, तो x का पावर और ये 0 पावर सेम हो गया। नंबर 4, नंबर 4 में दिया हुआ है 3 to power x = 1/3, तो हम यहां पर लिखेंगे 3 to power x, इसको लिख सकते हैं 3 to power -1, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, इसका पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, लिखा नहीं मानते, 1 है, 1 छिपा होता है, तो 3 का पावर 1 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर। इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर, तो 3 to power x, 3 बेस 3 बेस, तो पावर सेम, x = -1, ठीक है, मिटा दे इसको। अब मैं 5th question बताने जा रहा हूं, 5th question, 4 to power x = 1/64, तो 4 to power x, इसको लिखेंगे 1/4 × 4 × 4, 3 times, 4 4 = 16, 16 4 = 64, इसको लिख सकते हैं 1/4 to power 3, देख सकते हैं 4 to power x। अब अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, प्लस पावर है ऊपर ले जाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, साइन माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो 4 to power -3 हो जाएगा। और यहां पर लिख देंगे इक्वेटिंग द पावर, तो बेस सेम, 4 4 सेम, तो x = power = -3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन गलत लिखा है, यह लिखा है 7 to power 2x + 4, 2x + 4 इक्वल टू, ये लिखा है 3 4 3, ये होना चाहिए 3 4 3, ये यहाँ 3 लिखा है, 3 to power 2x + 4 लिखा है, 3 का पावर, ये 7 होना चाहिए, तो 7 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 63, 6 × 7 = 28, 6 = 34, ये आ जाएगा। तो यहाँ 7 to power 2x + 4 और यहां लिखेंगे 7 to power 3, फिर वही लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर, तो बेस सेम, तो power = power, तो ये बन जाएगा 2x + 4 = 3, 2x = 3, 4 उधर जाएगा -4 हो गया, 2x = -1 आया, 3 में से 4 गया -1,
तो x इक्वल टू आया माइनस वन अपॉन टू, तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया।